गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा अपडेट सीबीएसई ने आज जारी किया है आप सबके लिए। सेशन 21 से 22 के लिए जारी किया गया है अपडेट ये, और ये अपडेट क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट के लिए दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सबको जानना चाहिए। इस अपडेट में सेशन 21-22 में होने वाले एग्जाम्स के बारे में बताया गया है, सिलेबस रिडक्शन के बारे में बताया गया है और नए फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा मैं आपको एक एक पॉइंट को, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहली बात की जा रही है यहाँ पे एकेडमिक सेशन 21-22 के लिए, कि यहाँ पे जो आपका टोटल सिलेबस है उसको दो टर्म में, दो पार्ट में बांट दिया गया। मतलब आपका एग्ज़ाम अब 50% सिलेबस का एक बार होगा और 50% सिलेबस का दूसरे बार एग्जाम होगा, ठीक है। तो जो पहले, आज से 5 साल पहले जो स्कीम था सीबीएसई का, ये स्कीम यही था कि बोर्ड एग्जाम सिर्फ 50% सिलेबस का ही होता था, मतलब आपको बहुत कम पढ़ना पड़ता था। ये बात यहाँ भी अब कर दिया गया है 21-22 सेशन के लिए। तो यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 होगा। टर्म 1 का एग्जाम आपके स्कूल पे होगा और टर्म 2 का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराएगी। ऑलराइट, तो आप ये मत सोचना कि आपको टर्म 1 में नहीं पढ़ना है, टर्म 1 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा एक एक बात। तो ये पहली बात हो गई थी कि आपका सिलेबस को दो पार्ट में बांट दिया गया, टर्म 1 एंड टर्म 2। आगे की बात की जा रही है कि सिलेबस को कम किया जाएगा, सिलेबस को रेशनलाइज किया जाएगा। अब रेशनलाइज करने का मतलब ये हो गया, जैसे आपने देखा था कि 20-21 में सिलेबस को 30% कम किया गया था, लेकिन यहाँ पे सिलेबस को 30% कम नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो टॉपिक आपके लिए या तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन टॉपिक्स को कट किया जाएगा, चैप्टर्स कट नहीं किए जाएंगे। और लाइक, तो आप ये मत सोचना कि कोई चैप्टर कट होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब सिलेबस को हल्का किया जाएगा, ठीक है, जो डिफिकल्ट बातें उनको हटाया जाएगा। तो ये कैसे कैसे क्या किया जाएगा सीबीएसई ने अपडेट बताया नहीं है अभी। ये सीबीएसई नया अपडेट देगी कि सिलेबस में क्या सब पढ़ना है, क्या सब नहीं पढ़ना है, तो ये मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। ऑलराइट, आगे बात ये आ रही है कि स्कूल को इंटरनल असेसमेंट पे, प्रैक्टिकल वर्क पे और प्रोजेक्ट वर्क पे बहुत ज़्यादा वैल्यू देना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपने देखा था कि 20-21 सेशन के लिए सीबीएसई ने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया, बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। तो सीबीएसई ने स्कूल से मांगा था अपडेट कि साल भर में आपने बच्चों से जो भी काम करवाया, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क हो, असाइनमेंट वर्क हो या फिर प्रैक्टिकल वर्क हो, उसका रिपोर्ट मेरे को दो। लेकिन स्कूल ने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था, तो यहाँ पे स्कूल फेल रहा था, ठीक है। तो सीबीएसई ने पहले ही स्कूल को कह दिया है कि इस साल आपको ये सारे काम करवा के रखना है ऑन टाइम, और जब भी मैं आपसे मांगूँ आपको एक बार रिपोर्ट सबमिट करना है। इसके लिए अभी से आपको जब भी कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल वर्क दिया जाए तो उसको आपको मन से करना है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका मार्क्स आपको बहुत हेल्प करेगा फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स में। अब बात आ रही है इंटरनल असेसमेंट की, कि कैसे लेना है, क्या लेना है। तो इस सीबीएसई ने कह दिया है कि एक टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा और एक टर्म 2 का एग्ज़ाम, ये दो एग्ज़ाम तो होगा ही, श्योर एंड सर्टेन है। ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन सीबीएसई देंगे स्कूल्स को, और सीबीएसई का पैटर्न से एग्ज़ाम होगा टर्म 1 और टर्म 2। लेकिन इसके बाद स्कूल को कहा गया है कि आप इंटरनल असेसमेंट लेके रखो। अब ये इंटरनल असेसमेंट क्या है, कैसे लेना है, ये सीबीएसई ने बताया है, मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें कहा गया है, क्लास 9-10 के लिए कहा गया है कि जो भी इंटरनल असेसमेंट होंगे वो 3 बार होंगे, ठीक है, मतलब 3 पीरियड्स पे। मतलब आपका जो पूरा सेशन है 21 से 22 का, जितना समय मिला आपको उस समय को 3 से डिवाइड किया जाए, ठीक है। जैसे कि 4-4 महीने का बनाया जाए एक पीरियड, और हर 4 महीने पे आपसे क्या सब पूछा जाए, तो आपसे आपका असाइनमेंट चेक किया जाए, प्रोजेक्ट चेक किया जाए, प्रैक्टिकल वर्क चेक किया जाए, उसके बाद आपसे क्या कहते हैं वो पूछा जाए, वाइवा ओरल क्वेश्चन पूछा जाए, और उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार करके स्कूल को रखना पड़ेगा, वो सीबीएसई को सबमिट करना पड़ेगा। और लाइक, ये 19 के लिए। अब 11, 12 के लिए क्या है इंटरनल असेसमेंट का तरीका, ये सीबीएसई ने बताया है कि यहाँ पे इनको यूनिट टेस्ट देना होगा। अब यूनिट टेस्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का और एक चैप्टर मैथमेटिक्स का, ये तीनों चैप्टर को मिला के बनेगा एक यूनिट, ठीक है। और ये 3 चैप्टर जब भी आपके खत्म हो जाएंगे, एक एक चैप्टर तीनों बुक में से, तो आपको एक बार एक यूनिट टेस्ट देना पड़ेगा। अब इस यूनिट टेस्ट का एग्जाम में जो मार्क्स आएगा आपके पास में, वो स्कूल उसको होल्ड करके रखेगी, मतलब स्कूल उसको डिजिटल फॉर्मेट में रखेगी, और जब सीबीएसई मांगेगा तो उसको अपडेट करके देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सब मार्क्स के हिसाब से आपका फाइनल मार्क्स तैयार किया जाएगा। मतलब जो आपका लास्ट में एग्जाम होने वाला है, टर्म 2 का एग्जाम जो सीबीएसई बोर्ड लेगी, उसमें इन सारे मार्क्स को भी वैल्यू दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक एक इंटरनल असेसमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ऑलराइट, तो क्लास 11, 12 के लिए वही सारी बातें होंगी। यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, और उनसे एक्टिविटी करने के लिए कहा जाएगा स्कूल में, या फिर जहाँ भी आपको कहा जाए वहाँ पे करना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, इसके बाद सीबीएसई
जितने भी आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे उसका डिजिटल फॉर्मेट तैयार करेगा, चाहे वो पीडीएफ तैयार करे या फिर आपका क्या कहते हैं वो एक तरह का प्रोजेक्ट तैयार करे सीबीएसई, और उसको तैयार करके वो स्कूल आपका तैयार करेगी इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब पीडीएफ में या फिर प्रोजेक्ट बना के उसको तैयार करेगी, और ये मार्क्स को सीबीएसई ने जो सीबीएसई ने बनाया है आईटी प्लेटफॉर्म, वहाँ पे उसको अपलोड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ऑलराइट, यहाँ बात समझ में आ रही है। अब सीबीएसई ने यह कहा है कि इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या सब क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, ये सीबीएसई बताएगी, स्कूल को बताएगी, ठीक है। तो स्कूल को जब भी ये मैटर सीबीएसई बताएगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ाता हूं, तो जो भी अपडेट आता है सबसे पहले स्कूल पे आता है, ठीक है, तो ये हमको पता चलेगा और मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो आपके इंटरनल असेसमेंट में क्या सब पूछा जाना है ये स्कूल को पहले नोटिफिकेशन दिया जाएगा, सीबीएसई भेजेगी क्वेश्चन, तो ये आपको पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा देर से, मैं आपको पहले बता दूंगा। इसके बाद क्या बात आ रही है कि अब बात आ रही है टर्म वन का एग्जाम। ये तो इंटरनल असेसमेंट हो गया, ये साल भर चलेगा आपका। अब टर्म वन का एग्जाम, अब देखो टर्म वन का एग्जाम सीबीएसई क्या कर रही है कि ये आपको स्कूल पे देना होगा, आपके अपने स्कूल पे, या फिर सीबीएसई इसके लिए दूसरा सेंटर बना सकती है। ऑलराइट, तो सीबीएसई क्या कर रही है कि ये एग्जाम आपका नवंबर से दिसंबर, ठीक है, में होने वाला 2021 में नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। ये आपका एग्जाम चलेगा 4 से 8 सप्ताह तक, मतलब लगभग 2 महीने तक एग्जाम चलेगा। ये इसलिए क्योंकि सारे स्टूडेंट को एक बार नहीं बुलाया जाएगा, स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम होगी। ऑलराइट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए क्वेश्चन सीबीएसई भेजेगी स्कूल के पास। ऑलराइट, और यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे सीबीएसई के जो भी मतलब सीबीएसई एक सेंटर सुपरिंटेंडेंट बनाएगी और एक सुपरवाइजर बनाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर स्कूल पे छोड़ दिया जाए तो स्कूल अपना मनमानी करना शुरू करेगा। तो सीबीएसई क्या करेगी कि अपने लोगों को वहाँ पे भेजेगी हर एक सेंटर पे देखभाल करने के लिए। ऑलराइट, अब सीबीएसई कह रही है कि ये एग्जाम जो आपका होने वाला है 90 मिनट का एग्जाम होगा, 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या सब पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा, एसर्शन रीजनिंग मतलब कुछ कहा जाएगा और उसमें क्या सही है क्या गलत है वो आपको चूज करना पड़ेगा, ये बातें होंगी आप। और ये आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा 50% सिलेबस से होगा, वो भी सिलेबस वो जो रिड्यूस कर दिया गया है उससे होगा, तो बहुत खुशी की बात है, आराम से आप तैयारी करते रहो अभी से। क्वेश्चन पेपर सीबीएसई भेजेगी, मार्किंग स्कीम सीबीएसई तय करेगी कैसे कैसे मार्क्स देना है। ऑलराइट, इसके बाद बात क्या कर रही है कि आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा, ओएमआर सीट, ठीक है, मतलब आपसे लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा, इनसर्किल करने के लिए दिया जाएगा, और उसको अपलोड उसका पीडीएफ बना के स्कूल को अपलोड करना पड़ेगा सीबीएसई के साइट पे, मतलब स्कूल अभी कुछ नहीं करेगी, जो भी करेगा सीबीएसई करेगा, ठीक है, क्योंकि इस साल स्कूल ने बहुत मनमाना किया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अब बात हो रही है टर्म, अब यहाँ पे टर्म वन का एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि टर्म वन के एग्जाम में जो भी मार्क्स आपका आएगा, ठीक है, उस टर्म वन के एग्जाम में इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स भी जोड़ा जाएगा, और इंटरनल असेसमेंट प्लस टर्म वन का जो मार्क्स होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको टर्म टू के मार्क्स में ऐड किया जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, टर्म वन और सारे इंटरनल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं टर्म टू की, तो ये एंड ऑफ द ईयर, अब ईयर मतलब इस साल का एंड नहीं, आपका जो एकेडमिक ईयर है, ठीक है, एकेडमिक ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक, ठीक है, मतलब इस अप्रैल से लेके अगले अप्रैल तक एक एकेडमिक ईयर होता है। तो अगले एकेडमिक ईयर के सॉरी इस एकेडमिक ईयर के एंड में 21-22 के एंड में आपसे टर्म टू का एग्जाम लिया जाएगा। टर्म टू में सिर्फ 50% सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं, सिर्फ 50%। ऑलराइट, टर्म टू का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, और यहाँ पे क्वेश्चन सीबीएसई डालेगी, आपको सीबीएसई सैंपल भेजेगी कि इस तरह का एग्जाम होने वाला है, वो आपको देखना होगा। इसमें शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी होगा, ठीक है, सिचुएशन टाइप क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू भी होगा, ये सीबीएसई ने पहले कह दिया है, और जो भी अपडेट होगा मैं सबसे पहले आपको बताता रहूँगा, मैंने आपको बता ही दिया। तो उन अपडेट को जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना अपने चैनल को, और आगे और ही बातें हैं वो भी सुन लो पहले। फिर यहाँ पे अगर सीबीएसई कह रही है कि अगर वो टर्म टू का एग्जाम नहीं ले पाई, ठीक है, अगर कोविड का सिचुएशन ज़्यादा गंभीर हो गया, तो फिर से आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा, जैसे फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला था वैसा ही, और वही सारा फॉर्मेट होगा जो फर्स्ट टर्म का फॉर्मेट था, ये सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। तो पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, ये कोई जानता नहीं है, तो जैसे जो होगा वो बात करी जाएगी आपसे, और टर्म वन और टर्म टू मिला के आपका फाइनल मार्क्स बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आप असेसमेंट में क्या सब कहा गया है ये देखना जरा सब, बहुत इसमें कहा जा रहा है कि टर्म वन और टर्म टू के लिए सिलेबस को, मतलब ऐसा नहीं है कि टर्म वन का सिलेबस बिल्कुल आसान हो जाए और टर्म टू का डिफिकल्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो मतलब जो भी इजी चैप्टर्स हैं, जो भी डिफिकल्ट चैप्टर हैं, उनका मिक्सअप होना चाहिए फर्स्ट टर्म में भी और फर्स्ट टर्म सेकेंड में भी, ठीक है।
तो ये ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 से 10 तक टर्म 1 में पढ़ना है और 10 से 20 तक टर्म 2 में पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। चैप्टर का मिक्सअप होगा, ये CBSE आपको बताएगी। ठीक है, ये CBSE कह रही है कि अगर 2021-22 सेशन में बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब होता है कोविड का, तो टर्म 2 का एग्ज़ाम भी जो CBSE बोल रही थी कि किसी दूसरे सेंटर पे लिया जाएगा, वो भी स्कूल सेंटर पे ही लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है CBSE के द्वारा। इसके बाद कहा जा रहा है, CBSE ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होता है तो टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम स्टूडेंट के घर पर जाके लिया जाएगा। मतलब कि आपके घर पर टीचर नहीं आएंगे, आप स्कूल के थ्रू आपको घर पे क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर शीट दे दिया जाएगा। आंसर शीट मतलब आंसर लिखने के लिए पेपर, और वो आपको सबमिट करना पड़ेगा वापस स्कूल पे। ठीक है, तो ये सारी बातों को क्लियर कर दिया है CBSE के द्वारा। आगे जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ देखो, अपडेट में आप सिलेबस कैसे कैसे कट किया गया, ठीक है, सिलेबस कैसे रेसलाइज किया गया, ये पहले अपडेट आएगा हमारे पास में, तो उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं इस चैनल पे क्लास 9-10 को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो अब जो भी सिलेबस आपका नया सिलेबस दिया गया है मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो 9-10 में अगर आप पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपडेट्स के लिए। और आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आप जो भी वीडियोस होंगे, आप नया जो सिलेबस CBSE ने दिया है उसके हिसाब से होगा। और लेट यहाँ पे ये बातें खत्म हो जाती है, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे अपडेट भी आएंगे और आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है यहाँ पे।